सब्सक्राइब कीजिए दवा फार्मेसी को और प्रेस कीजिए साथ दिए गए बेल आइकन को ताकि मेडिसिन की हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं दवा फार्मेसी, वेलकम करते हैं हमारी दवा फार्मेसी में। आज की हमारी वीडियो लोटरिंग सोल्यूशन के बारे में होगी। आज हम बात करेंगे सोल्यूशन के बेनिफिट और साइड इफेक्ट के बारे में और आप इस सोल्यूशन का किन किन सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटेल में जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया वो कर लें ताकि मरसन के मतलब न्यू अपडेट आने वाली आप तक पहुंचती रहे। और अब बात करते हैं लोशन के बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, ये लोशन स्केबिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लोशन और क्रीम में मौजूद है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में आसानी मिल सकता है। ये लोशन मेल और फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लोशन बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इसको कंपनी तैयार करती है, GSK कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। वो लोग जिनके जिस्म पर दाने वगैरह हों वो इस लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनके जिस्म पर खर्श हो वो भी इस लोशन या क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लोग जिनके जिस्म पर स्केबस हो जाए वो भी इस लोशन या क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जिनके जिस्म पर एलर्जी वगैरह हो वो भी इस लोशन या क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी सूरत में इस क्रीम का लोशन का इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद है। तो दोस्तों, ये थे इस लोशन के बेनिफिट और आप जानते हैं इस लोशन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस लोशन को यूज़ करने से आपको कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? इस लोशन को यूज़ करने से आपके जिस्म पर जलन हो सकती है और एडमा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे इस लोशन के साइड इफ़ेक्ट जिनमें से कोई एक हो सकता है। और आप जानते हैं इस लोशन के यूज़र के बारे में, यानी कि इस लोशन को आपने यूज़ कैसे करना है। इस लोशन को आपने गर्दन से लेकर और नीचे पाँव तक लगाना है अच्छी तरह से, और मुंह के ऊपर वाले हिस्से पर ना लगाएं। तो दोस्तों, ये थे इस लोशन के यूज़र। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और चैनल को फॉलो करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।